नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने पिछले साल की उपलब्धियां गिनाते हुए आज 2019 के लक्ष्यों के बारे में भी बताया। इसरो की सबसे बड़ी प्राथमिकता गगनयान है। इस मिशन के तहत 3 सदस्य क्रू कम से कम 7 दिन के लिए अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएगा। इसकी फाइनल लॉन्चिंग से पहले 2 मानव रहित मिशन भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। पहली डेडलाइन अनमैन्ड मिशन के लिए दिसंबर 2020 तय की गई है, जबकि दूसरी डेडलाइन अनमैन्ड मिशन के लिए जुलाई 2021 तय की गई है। पहले मानवीय मिशन के लिए दिसंबर 2021 का समय तय किया गया है, यानी अंतरिक्ष पर मानव मिशन भेजने वाला भारत दुनिया का 4th देश बनने वाला है। केंद्र सरकार ने पिछले साल ही 10,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी भी दी थी। इसके अलावा देश भर में इसरो के 6 सूचना केंद्र बनेंगे। साथ ही के सिवन ने कहा है कि इसरो का चंद्रयान भी समय से पूरा होगा। आज देश देशांतर में इसरो की ऊंची उड़ान के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि अब तक हमने क्या क्या हासिल किया है और अभी कितना सफर तय किया जाना बाकी है। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ी है आस्था तलवार, जो कि प्रमुख शोधकर्ता है अनुसंधान और विकास स्पेस इंडिया में। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पल्लव। साथ ही हमारे साथ इटली से जुड़ेंगे एरोस्पेस इंजीनियर कुणाल नायक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है देश देशांतर में। पल्लव, अगर आपसे पहले शुरुआत करूं तो आज इसरो की उपलब्धियां और काबिलियत किसी से छुपी नहीं है, देश विदेश में इसकी चर्चा है। आज जिस तरह की तैयारियों के बारे में और उपलब्धियों के बारे में के सिवन ने बताया है, इसे आप किस तरह से आंकते हैं, कितने कुछ उपलब्धि हमने हासिल की है अब तक? देखिए, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। गगनयान जो है आने वाले टाइम में मेन ऑक्यूपेशन रहेगा इसरो का, लेकिन उसके साथ साथ बाकी मिशन जो हैं वो छूटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, 32 मिशन करने हैं इसरो ने 2019 में। 32 मिशन बहुत होते हैं 12 महीने में। पिछले साल केवल 17 मिशन किए थे उन्होंने। जब पिछला मिशन किया था तब चुटकी ली थी शिवन साहब ने कि मैं आपको तोहफा देना चाहता हूँ 2019 के लिए, अब इसरो के लोगों को 32 मिशन करने पड़ेंगे, 17 किए थे। और वो आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि 32 मिशन होंगे। और गगनयान जो है वो कोई आसान काम नहीं है, वो गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, उसमें बहुत मेहनत मुशक्कत लगनी है। इसरो के पास ह्यूमन लाइफ सपोर्ट का कोई एक्सपर्टीज नहीं है, वो पूरा डेवलप करना है। तो आने वाले टाइम में उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और मैंने कहीं पर भी उनसे मैन पावर बढ़ने की कहीं वो नहीं देखी। तो जितना रिसोर्स है उसी से उनको और ज्यादा काम लेना है। मैं तो बहुत इसरो के संग काम करता हूं, बहुत देखा है मैंने। वो अभी भी 12-12 घंटे 14-14 घंटे लोग काम करते हैं। अब उनको किस तरह से वो इतनी मेहनत करवा के प्रोडक्टिविटी डबल करवाएंगे, तो उससे ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए कहीं। अच्छा, तो इसका ध्यान रखना बहुत बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए मिशन बढ़ाते जाएं और आने वाले टाइम में कहीं चूक होने लगे तो चूक तो देखिए और किसी मिशन में फिर भी चूक बर्दाश्त हो सकती है, गगनयान में कोई चूक बर्दाश्त नहीं हो सकती। माने भारत कहीं से भी कहीं चूक बर्दाश्त नहीं करेगा कि पहले मिशन में आपका भारत का बेटा या बेटी जाए और उसमें कोई चूक हो जाए, तो उसमें तो कोई चूक होने की गुंजाइश नहीं है। इसरो को बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो आस्था, जिस तरह से पल्लव कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट एक तरह से साबित होने वाला है अब आने वाला समय इसरो के लिए, भारत के लिए खासकर? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि जैसे कि इसरो के चीफ मिस्टर एस के सिवान जी ने भी बोला था कि ये सिर्फ इसरो का मिशन नहीं होगा, ये एक पूरे नेशन का मिशन होगा। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहती हूँ इसरो को, क्योंकि जब श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे पे बोला था कि भारत का बेटा या बेटी अंतरिक्ष में जाएंगे, तो फाइनली कहीं ना कहीं वो चीज़ सामने आती हुई दिख रही है। अब स्पेस इंडिया भी बधाई देना चाहता है इसरो को इसी खुशी में। हाल ही में अभी IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के 100 साल पूरे हुए हैं और स्पेस इंडिया लगातार 100 घंटे से भी ज़्यादा की एस्ट्रोनॉमी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हमारे CMD मिस्टर सचिन भांबा, जो कि स्पेस के फाउंडर भी हैं स्पेस इंडिया के, तो वो हम लोगों के माध्यम से, एजुकेटर्स के माध्यम से एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस लगातार 100 घंटे से भी ज़्यादा की एस्ट्रोनॉमी में। तो डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा पड़ाव आएगा भारत के डेवलपमेंट में, हमारी इक्विपमेंट्स में, उनके अपग्रेडेशन में। तो देखिए, जैसे कि अभी सर ने भी बोला कि बहुत सारे काम होना बाकी है, और अभी अनाउंसमेंट भी हुई है कि एक बहुत ही संजीदा
एक सिस्टम है जिसपे इसरो वर्क कर रहा है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रेटिंग सिस्टम। तो ह्यूमन रेटिंग सिस्टम में हमें ये पता चलता है कि वो सिस्टम कितना केपेबल है, कितना सहनशील है एक मानव को किसी भी मुश्किल से बाहर निकालने के लिए। तो अगर कभी कोई इवेंट फेलियर होगा तो वो कितना सक्सेस में आएगा। तो एक ये मिशन, एक ये सेगमेंट है जिस पे इसरो ने काम करना है। और जहाँ तक की बात है इस मिशन की देखा जाए तो ये मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च होने के लिए बोला गया है, और इससे पहले अनमैन्ड मानव रहित दो मिशन जाएंगे। तो इसके लिए भी बहुत सारे सिस्टम्स पे चेक रखे जा रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली पीछे हाल ही में अभी बजट पास हुआ था जब हमारे ऑनरेबल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जी ने पास किया था 10 करोड़ का बजट। तो उसमें कैसे सारी चीज़ें समाई जाएंगी, क्योंकि जो हमारा ये मिशन है ये एक नए लॉन्च पैड से लॉन्च होने वाला है। हम इंडिया का इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट GSLV मार्क 3 यूज़ करने वाले हैं, जो कि वो नई लॉन्च पैड से लॉन्च होगा। तो ये सब चीज़ों को एक साथ रख के देखा जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। बिल्कुल। और इस समय कुणाल नायक का रुख करूंगी। कुणाल, अंतरिक्ष में मानवीय मिशन के लिए जरूरी जो टेक्नोलॉजी है, एक तरह से क्या उच्च तकनीक है, वो भारत ने तैयार कर ली है। अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजी हमने स्वदेश में इजाद की है उनको आप कैसे देखते हैं, और खासकर अब कोशिश की जा रही है जो मैन मिशन है उसके बाद जो स्मॉल सैटेलाइट है उन्हें भेजने की भी तैयारी हो रही है, तो इन सबको कैसे देखते हैं आप? राइट, मैं पहले धन्यवाद करना चाहूंगा राज्यसभा टीवी को, और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस इवन टू इसरो। वैसे देखा जाए तो इसरो धीरे धीरे अपने स्टेप्स बहुत जल्दी से और धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे से बैक व्हेन वी गो इन 90s अच्छे से चलता रहा, और अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो देखा जाए तो पहले क्यूबसेट्स की बात करते हैं और सैटेलाइट्स की बात करते हैं। तो जैसे देखा गया कि इन द पास्ट इसरो धीरे 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 काम करते करते इट हैज अचीव्ड रियली गुड इन द सिस्टम्स एंड इवन टेक्नोलॉजी। और अभी तो फिलहाल प्राइवेटाइजेशन भी हो गया है, जैसे इसरो ने अभी फिलहाल बोला है कि वो प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं इंडिया की बहुत सारी कंपनियों के साथ। सो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, और इवन कंट्रीज जो इंडिया है और बाकी सारे मेक इन इंडिया में कह सकते हैं, तो मेक इन इंडिया एक ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, तो इसके कारण इवन फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम कुणाल से। पलव, जिस तरह से अभी आस्था भी बता रही थी, किस तरह के चरण होंगे गगनयान को लेकर, क्योंकि पहले जाहिर तौर पर कुछ टेस्ट होंगे, अनमैन्ड मिशन है उसके बाद मैन्ड मिशन होगा, किस तरह की तैयारी होगी इसे लेकर? देखिए, तैयारी अभी बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। अभी तक केवल हमने एक एक टेस्ट किया है क्रू अबॉर्ट सिस्टम का, क्रू मॉड्यूल का, और वो भी क्रू मॉड्यूल को हमने अंतरिक्ष में नहीं भेजा था, सब ऑर्बिटल फ्लाइट था। उसके संग स्पेस सूट तैयार किया है, वो स्पेस सूट मैंने भी पहना है। तो अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, 40 महीने का समय मिला है। अब उस 40 महीने में इनको दो ह्यूमन रेटेड GSLV मार्क 3, जिसको मैं बाहुबली कहता हूँ, उसकी फ्लाइट करनी है, और फिर तीसरी फ्लाइट में मैं आपको थोड़ा सा एक करेक्शन कर दूं, आपने कहा मैं मिनिमम 60 दिन का होगा, वो मिनिमम नहीं है, अप टू 7 डेज है, अप टू मैक्सिमम ऑफ 7 डेज। अगर आप राज्यसभा में जो जवाब आया था उसको देखें, जरा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, अप टू मैक्सिमम है, हो सकता है शायद एक ही ऑर्बिट में वापस आ जाए, और वो 3% क्रू ना हो के शायद एक ही पर्सन का क्रू हो। अभी देखिए वो फाइनल डायनेमिक्स हमने नहीं देखी है। और एक थोड़ा आस्था का भी एक छोटा सा करेक्शन कर दूं, कोई नया लॉन्च पैड नहीं बना रहा है इसरो, जो लॉन्च पैड 1 और 2 हैं उसी से लॉन्च होगा, श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च होगा, कोई नया लॉन्च पैड नहीं बनाएगा क्योंकि उसमें पैसे नहीं खर्च करना चाहते वो। लेकिन हाँ, जो गगनयान मिशन है उसके साथ साथ और भी मिशन हैं इसरो के, जैसे आने वाले टाइम में चंद्रयान 2 मिशन है जो इसी साल के किसी भी समय मार्च अप्रैल में हो सकता है, या थोड़ा और खिसक सकता है, देखिए क्या होता है उसका फाइनल डेट। वो भी बहुत बड़ा मिशन है, बहुत मुश्किल मिशन है, उतना मुश्किल मिशन इसरो ने अभी तक कभी नहीं किया है, बहुत जबरदस्त मिशन है वो, क्योंकि साउथ पोल पे लैंडिंग होनी है, हमारा रोवर जाना है, उसके संग एस्ट्रोसैट मिशंस हैं, फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट के मिशंस हैं। गगनयान तो अपनी जगह एक अलग है, जिसके लिए आज उन्होंने एक नया सेंटर ही अनाउंस कर दिया कि एक ह्यूमन स्पेस सेंटर बनाएंगे बंगलुरु में, जिसके कि उन्नीकृष्णन नायर डायरेक्टर बनाए गए हैं, जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में इसरो की तरफ से,
उनको डायरेक्टर बनाया है, तो आने वाले टाइम में अभी बहुत मेहनत करनी है और इसरो को और एजेंसीज के साथ बहुत मिल के काम करना पड़ेगा। कहीं पे भी अगर ये इसरो सोच रहा है कि वो अपने आप गगनयान कर लेगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, एयरफोर्स की मदद चाहिएगी उनको और स्टेट एजेंसी, स्टेट यूनिवर्सिटीज की, इंस्टीट्यूट्स की, बहुत जगह से उनको मेहनत करनी है और सबको जोड़ के मिला के फाइनल मिशन करना। जो डेडलाइन दिया है प्रधानमंत्री ने, बहुत स्टिफ डेडलाइन है। बिल्कुल, यानी बहुत काम किया जाना बाकी है। आप अभी बता रहे हैं कुणाल का एक बार फिर से रुक करेंगे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, पल्लव बागला भी हमें कह रहे हैं कि अभी कई सारे चेक्स हैं जो देखने हैं, कई सारी तैयारियां हैं, कई चरणों में ये तैयारियां होंगी, यानी अभी चुनौती बहुत बड़ी है। ऐसे में आप कहां खड़ा देखते हैं फिलहाल इस तैयारी को? वैसे मैं सहमत हूँ मिस्टर पल्लव से, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो सीरीज ऑफ जो लाइनिंग होते हैं, फेजेस होते हैं कोई भी मिशन के, तो हमें डेडलाइन जो मिली है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट डेडलाइन है। पर मुझे भरोसा है और आई एम श्योर कि इसरो जिस हद से अपने स्टेप्स बढ़ रहा है, आगे आगे जा रहा है, तो उस हिसाब से आई गेस दे विल कवर इट। बट हाँ, काम करना बहुत बाकी है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। और फिलहाल तो अभी इंडिया, एस अभी मिस्टर पल्लव ने बोला अबाउट इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन IAM, जो अभी नया जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की हेल्प करने वाला है शायद, और उसके साथ साथ हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो काफ़ी वहाँ पे ट्रेन होंगे मे बी फॉर द फ्यूचर। पर रिलायबिलिटी की बात करें हम, तो रिलायबिलिटी में आई गेस मिस्टर पल्लव ने बोला था कि इट शुड बी, और सॉरी आस्था, मिस आस्था ने बोला था अबाउट रिलायबिलिटी, तो मैं उस पर जानना चाहता हूँ कि रिलायबिलिटी में इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि 0.99 रिलायबिलिटी होनी ज़रूरी है, क्योंकि 0.99 रिलायबिलिटी मतलब 1 out of 100 की एक पॉसिबिलिटी हो सकती है फॉर एनी अनफॉर्चुनेट सिक्वेंसेज और अनफॉर्चुनेट थिंग्स। बट मैंने आज वाया न्यूज चैनल मैंने पढ़ा था, मैंने सुना कि हमारे चीफ ने बोला है कि क्रू एस्केप बड़ा क्रूशल है और इट्स अ इम्पोर्टेंट फैक्टर, सो दे आर टारगेटिंग फॉर 0.998%, सो ऑलमोस्ट 200%। तो मैं देखता हूँ वैसे अकेले इंडिया अपने दम पे कर ही रहा है, पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी काफी हद तक है, जैसे कि इंडिया रशिया से हेल्प ले रहा है और इवन फ्रांस से हेल्प ले रहा है, तो इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी होना ज़रूरी है। सो हम एक्सपीरियंसेस और सम एडवांसमेंट दूसरे कंट्री से हेल्प लेके वी आर इवन लर्निंग मोर, पर काम बहुत बाकी है, वी हैव टू डू आर मोर वर्क इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। बिल्कुल।